गाइस जयपुर पहुंच चुके हैं और एक बार आप लोग ये चेक, मेट्रो आ गया गाइस देखो। और ये हमको मिला था जो टोकन है, मेट्रो आ चुकी है। यहाँ पे ट्रेन ड्राइवर है तो वो चला रहा है। कैसे हो आप लोग, वेलकम करता हूँ एक नए व्लॉग में। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से, तो राम राम सारा ने। एंड भाई आप लोग सोच रहे हो इतनी रात को व्लॉग क्यों शुरू कर रहा हूँ, तो गोइंग टू जयपुर पिंक सिटी। जी हाँ गाइस, विद दादाजी अब तैयार हो गया हूँ और 11:30 बजे हमारी जो बस है उसमें टिकट बुक कर दी है, तो वो आने वाली है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलेंगे वहाँ पे। गाइस रेडी फॉर गोइंग टू जयपुर। हाँ मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और ऑलमोस्ट 11 बजे हमारी जो 11:30 बजे बस आने वाली है। एंड अभी हुआ है 9:30, तो इतने टाइम होगा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं आपको चलता हूँ और मैं अभी ये स्वेटर डाल लिए ऊपर, क्योंकि रात को ठंड पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो मैं आपको मिलता हूँ जब हम लोग घर से निकल चुके हैं। एंड अब मैं बस में आया हूँ, देख लो यार यहाँ पे सौरा से रोड पे पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जयपुर के लिए निकल चुके हैं, तो ये शायद बंदे वो वाली बस है, तो निकल चुके हैं अभी। और साथ में मेरे दादाजी भी है और मेरी सिस्टर है, तो उसकी फोटो नहीं दिख सकता। एंड मैं आपको मिलता हूँ सुबह और वहाँ पे पहुँचने के बाद। गाइस पहुँचने वाले हैं पिंक सिटी। एंड अभी मैं उठा ही था थोड़ी देर पहले, एक बार बाहर का नज़ारा देखो आप लोग। तो मैं यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखा सकता क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं आ रहा है। और दादाजी अभी सोए हैं एंड यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो जयपुर के ऑलमोस्ट पास ही आ गए हैं वैसे तो। और अभी मैं ले यार अभी तक मैंने मुंह में नहीं धोया ना, इसलिए आलस नहीं गया है। तो मैं आपको मिलता हूँ जयपुर पहुँचने के बाद, वहाँ के नज़ारे दिखाऊँगा। पिंक सिटी पहुँचने वाले हैं, ब्रेक लिया था एंड थोड़ा बहुत अभी रेस्ट किया है, अभी चाय हुई पी थी। घंटा ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे रुके हुए, तो हम लोग कपिल का वेट कर रहे हैं, वो आएगा और हम लोग मेट्रो में जाएंगे, शायद उसका फोन आ गया। तो चलो यार चलते हैं, एक बार मैं आपको होटल का टूर दे देता हूँ। होटल तो नहीं मान सकते, एक सब टाइप से ढाबा मान सकते हो आप लोग, देखो यार। यहाँ पे देखो यार एक बार सीन, यहाँ पे कपिल टिकट कटवा रहा है। तो हम लोग वहाँ से आए थे, वो चलने वाली सीढ़ी है वहाँ पे, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ यहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का, तो देख लो यार कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अभी हम अंदर आगे जाएंगे एंड फिर आपको मैं दिखाऊँगा। टोकन मिल चुका है, यहाँ पे है दोबारा से चलने वाली सीढ़ी, तो चलेंगे दोबारा। मेट्रो का सीन ले लो एंड अभी दोबारा से यहाँ पे चलेंगे इधर ऊपर। चलो यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पकड़ रखता हूँ। और ये हमको मिला था जो टोकन है वो देख लो, ये वाला टोकन है। तो अभी मैं आ चुका हूँ, ये देखो एक बार सीन, यहाँ पे बाकी आ रहे हैं गाइस। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है और फाइनली पहुँच चुके हैं मेट्रो पर। तो यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, थोड़ा सा टाइम है। और इधर से एक बार आपको जयपुर शहर दिखाता हूँ, देखो यार ये है जयपुर शहर, पिंक सिटी मान सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे है रेलवे, यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। आने वाली है 3 मिनट और रही है। यहाँ पे देखो यार ये है रेलवे इधर है। एंड ये देखो फुल सीन दिखा देता हूँ। एंड यहाँ से है जयपुर का नज़ारा, देखो एक बार चेक दिस आउट गाइस। यार ये नज़ारा देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है मैंने, ये नज़ारा देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। हो सकता है अभी ट्रेन आ जाए थोड़ी देर में गाइस, ट्रेन आने वाली है तो मेट्रो जो है वो आने वाली है। तो अभी रही है 2 मिनट, तो 2 मिनट वेट करते हैं फिर आ जाएगी। देखो इधर से आने वाली है ट्रेन
एंड यहाँ पे दादाजी और गाइस एक बार पास से दिखाता हूँ, वैसे पास जाना मना है यार, या नहीं जरा। गाइस फाइनली मेट्रो आ चुकी है इधर वाली, देख लो एक बार आप लोग। तो मेट्रो आ चुकी है, यहाँ पे ट्रेन ड्राइवर है तो वो चला रहा है। मेट्रो आ चुकी है गाइस, भाई फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है मेरा, देखो इधर वाली भी आ गई है। तो ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है गाइस, ये देख लो इधर वाली ट्रेन भी आ गई, इधर वाली हम आपको मिलता हूँ ट्रेन के अंदर, हम आपको दिखाता हूँ ट्रेन के अंदर का सीन। देखो यार ये मेट्रो के अंदर का और साथ में कपिला देख लो, और अब मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का सीन। चला ही गया, बैठ गया जिंदगी में आज तक पहली बार देखी घड़ी है रूम पे पहुंच चुके हैं एंड अभी थोड़ा बहुत आराम किया था। इस व्लॉग को मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी आप अगले व्लॉग में देखिए, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, बाय बाय।